से लड़ने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम सामान्य रूप से जानते हैं और वास्तव में बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स होंगे, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ होगा, चाहे नर्सेज होंगी, या फिर उसके बाद हमारे जो भी ऐसे लोग हैं जो इस टाइम कोरोना से अपने जान की परवाह बिना करे और लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ पुलिसकर्मी है, फिर हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे अन्य बहुत से ऐसे लोग हैं जो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे सफाई कर्मी जिनको हम पर्यावरण मित्र कहते हैं। इनके बाद एक जो मुझे लगती थी कि वो वास्तव में मुझे कभी कभी बड़े मन में आती थी, मुझे याद है मैं एम्स के पिछले दिनों जब भाई संजीव वालियान जी के भाई की डेथ हुई मैं वहां गया, बच्ची सिंह रावत की जब डेथ हुई एम्स में मोर्चरी में गया, तो मैं देखता था एक वो टीम जिनको लोग पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो मुस्तैदी से काम कर रहे थे। असली जो कोरोना वॉरियर है मैं उनको भी उसकी संज्ञा दे रहा हूँ। और आज मेरे मन में आया, कल मेरा जन्मदिन था तो मैंने हमारे एम्स के पीआरओ मिस्टर हरीश थपलियाल से कहा कि भाई मैं उनके ऐसे ऐसे कुछ छोटा सा उनके लिए मैं सम्मान करना चाह रहा हूँ। उनको भी अच्छा लगा, आज उनके तमाम लोग आज यहाँ पे आए हैं और आज उनको सम्मानित करके निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये लोग हैं जो अपने परवाह किए हुए अपनी जान की, जो परवाह किए अपने परिवार की, और जिस समय की जब जिनके यहाँ डेथ हो गई उनके परिजन बॉडी नहीं ले पा रहे थे या उस पर हाथ लगा रहे थे, ये लोग उस कोरोना से बिना डरे और हिम्मत करके और पूरे इच्छा शक्ति के साथ ये लोग उसकी डेड बॉडी को उठाना, उसको फिर जो भी शव वाहन या जहां तक उसे पहुंचाना और अंत तक उस बॉडी के साथ में रहना, तो आप समझिए कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं। मैं तो इनको साधुवाद दे रहा हूं, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं ये लोग स्वस्थ रहे, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं इनका परिवार स्वस्थ रहे और इसी प्रकार ये हमारे जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं निश्चित पूरा समाज इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है।